दशहरा पर्व में देवी देवताओं पर लगाए गए प्रतिबंध से रुष्ट देवताओं ने अब छोटी जगती में 18 करड़ों के मिलन के आदेश दिए हैं। शीघ्र ही छोटी जगती का आयोजन रघुनाथ मंदिर में होगा। आज लंका दहन से पहले रुष्ट देवी देवताओं को रघुनाथ कैंप में पूछा गया। सभी देवी देवताओं ने अपने गुर के माध्यम से जहां जगती के आदेश दिए, वहीं कहा कि दशहरा पर्व 18 करड़ों देवी देवताओं का मिलन है और यहां आकर देवी देवता सृष्टि की रक्षा करते थे, लेकिन देवी देवताओं पर ही प्रतिबंध लगा दिया। देवताओं ने कहा कि आज इंसान हमसे बड़े हो गए हैं और हम छोटे, इसके गंभीर परिणाम होंगे। उधर देवताओं ने यह भी कहा कि दशहरा पर्व प्रतिबंध पर जो भी षड्यंत्रकारी हैं, उन पर देव प्रकोप जारी रहेगा। देवताओं ने कुछ देव शक्ति दिखाकर दिखाने की भी भविष्यवाणी की है। गौर रहे कि शुक्रवार को मोहल्ले के बाद ढालपुर में देवी देवता प्रचंड हुए। प्रचंड देवताओं में धूमल नाग, माता कोटली, देवता बीरनाथ व देवता शिवराडी नारायण शामिल रहे। देखिए, कल जो कुछ इस मैदान में अभिघटित हुआ उससे ये सिद्ध होता है कि देवताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। इसको ध्यान में रखते हुए और जो देवताओं के आपके फलानी नारायण हैं, उन्होंने सबसे पहले यहाँ कर कहा था कि जगती करो, ये जब दौरे में जा रहे थे, तो उसकी पुष्टि के लिए हमने सोचा कि यहाँ पूछ डालें और देवताओं को थोड़ा शांत कर रहे ऐसा हम अनुरोध करें और बीमारी से भी थोड़ी राहत दें, तभी तो हम सब कुछ कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, ये हमने प्रार्थना की। और आज इस विजयदशमी का अंतिम दिन है, लंका दहन के साथ ये संपन्न हो जाएगी और जो देवता ने कहा है, हमने ये वचन दिया है कि इन्होंने कहा कि ये जगती क्योंकि ढालपुर के बारे में ही है, इस दशहरे के बारे में, इसलिए इसको रघुनाथ मंदिर में करें, अन्यथा बड़ी जगती जो है वो नगर में होती है। तो हमने कहा फिर कर देंगे, क्योंकि बड़ी जगती को तो बहुत बड़ी तैयारी चाहिए होती है। तो फिर जो आपके अन्नकूट का दिन आएगा, गोवर्धन पूजा, उस दिन मंदिर में ऐसे भी ब्रह्म भोज होता है, काफ़ी लोग आते हैं, वो दिन तय किया है और हमने ये प्रार्थना की है कि हमको ये पता लगना चाहिए, थोड़ी वर्षा भी हो और लोगों की रक्षा भी हो। जब जो आप इस महाकुंभ में यहाँ पहुँचे हैं अनेकों बाधाओं के बावजूद, तो उनकी रक्षा जब तक नहीं होगी तो ये सारा काम संभव नहीं है। तो आपसे इतनी हमने प्रार्थना की देवताओं से कि थोड़ी रक्षा दे, थोड़ा हमें विश्वास पैदा करे जनता में, और जो हो रहा है उससे तो मैं भी पर्सनली भी दुखी हूँ। आज ना जाने क्या सूझी है कि मैं अनाउंसमेंट सुन रहा हूँ कि कर्फ्यू है। अरे बाबा, डिस्टेंस के बारे में बोलिए, बाकी चीजें, कर्फ्यू में कोई ऐसा झगड़ा तो है नहीं यहाँ। पता नहीं ना जाने क्या ये मामूली बात सोची है कि कर्फ्यू 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 में फिर शादी कैसे होगी, यहाँ बरातें जा रही हैं, कर्फ्यू में फिर और जगह मेले कैसे होंगे, वो भी हो रहे हैं। तो ये कर्फ्यू क्या सीमित स्थान के लिए है? आप ये कहिए कि डिस्टेंस करो, आपका कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है, इससे बचो, मास्क लगाओ, ये तो समझ आती है, ये समझ नहीं आती बात, फिर बेकार में आतंक फैलाना, ये ठीक नहीं। कुल्लू से धनेश गौतम की रिपोर्ट।